अच्छा बिजनेस है, फालतू टाइम में साइड बिजनेस अच्छा है। अच्छा फालतू टाइम में साइड बिजनेस भी अच्छा है, किसी के पास फालतू टाइम है तो कर सकता है, ये अच्छा बिजनेस है। मेरे पास रोजीला है, रिंगना के लबड़ है, कनोरचे के हैं, डब है, काकटल है, रोजापुर की है, बारा बैंड है, राव है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बशर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम मौजूद हैं शाहद भाई के शेड पर, तो उनका शेड विज़िट करवाते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत शेड है, आपको नज़र आ रहा होगा 40 से 50 केज लगे हुए हैं, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा शेड है, तो विज़िट करवाते हैं जी। शाहद भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। शाहद भाई क्या हाल चाल है? ठीक। तबीयत से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बर्ड कैसे हैं आपके? जी ठीक। अच्छा शाहद भाई आप हमें ये बताएं, अभी में कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे 25 साल हो गया। 25 साल से माशाल्लाह बर्ड की हॉबी में आप? हाँ जी। तो कौन कौन से बर्ड आपने ब्रीड करवाए अभी तक? मेरे पास रोजीला है, रिंगना के लबड़ है, कनोरचे के हैं, डब है, काकटल है, रोजापुर की है, बारा बैंड है, राव है। यानी कि माशाल्लाह ओवरऑल बड़े से लेकर छोटे पेड़ तक हर पेड़ रखा हुआ माशाल्लाह से आपने। लबड़ के अंदर कितनी म्यूटेशन लगी हुई है आपके पास? लबड़ में मेरे पास फार ब्लू है, अरबिनो है, फिशर है, लटिनो है, पसनाटा है, इस तरह है मिक्स। सही। तो लबड़ की जो फील्ड है उसमें आपको कितना अर्सा हो गया? लबड़ में तो शुरू किए हुए 20 साल हो गए होंगे। शुरू से लबड़ 20 साल ब्रीड करवा रहे हैं जी। तो ये हॉबी कैसी है, कैसा ये बिज़नेस है? अच्छा बिजनेस है, फालतू टाइम में साइड बिजनेस अच्छा है। अच्छा फालतू टाइम में साइड बिजनेस भी अच्छा है, किसी के पास फालतू टाइम है तो कर सकता है, ये अच्छा बिजनेस है। अच्छा बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से। मार्जिन जिस तरह के आप लगाएंगे बर्ड उस तरह के बैक मिलेंगे पैसे। तो माशाल्लाह से आपका 20 से 25 साल का तजर्बा है, तो आपने तो काफ़ी जो बर्ड्स हैं उनकी ब्रीड करवाई हुई है। हाँ। तो हमारे नाज़रीन को क्या मशवरा देंगे, कौन सा बर्ड रखें, किससे ज़्यादा इनकम कमा सकता है बंदा? बर्ड सभी रखने चाहिए, जो भी आपको पसंद है, शौक है, सब रखें। उसमें ये ना देखें कि ये सस्ता या महंगा, शौक हो तो सभी रखना चाहिए। इनकी कीमत ऊंच नीच होती रहती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। एक की कम हो जाए, दूसरे जो रखे होते हैं उनकी ज़्यादा हो जाती है, वो फिर लेवल में आ जाते हैं। हम आज जिस शेड में हम खड़े हैं, कितने बर्ड लगे हुए हैं और केज कितने लगे हुए हैं? इसमें 100 केज लगे हैं, 100 बर्ड। 100 बर्ड है माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह से आपने ये वेंटिलेशन भी ऊपर की हुई है, तो इनका जो वेंटिलेशन का तरीकाकार कैसा होना चाहिए गर्मियों में? गर्मियों में हवा का क्रॉस होना चाहिए, फ्रेश हवा आए, अच्छा रोशनी भी आए। साल के अंदर जो आपके बर्ड लगे हुए हैं माशाल्लाह से, कितनी दफ़ा क्लच लेते हैं इनसे आप? इनसे 3 से 4 दफ़ा। 3 से 4 दफ़ा माशाल्लाह। तो कितने बच्चे आप सेल करते हैं हर सीज़न में? इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं रखी। अंदाजन मतलब? 400-500। 400-500 बच्चा सेल करते हैं हर अपना जो सीज़न के अंदर। हाँ। माशाल्लाह से तो काफ़ी आप इनकम कमाते होंगे इसमें से? जी। ऐसा है मतलब कि बिज़नेस की हॉबी से बहुत अच्छा बिज़नेस है, आप क्या कहते हैं इनके? ये दूसरे बिजनेस से अच्छा बिजनेस है। सही है। एक ये है कि अगर आपके पास फालतू टाइम है, रात सुबह इनका दाना पानी करें, फिर काम पे चले जाएं, फिर आके दोबारा फिर आवारा गर्दी से बचे रहेंगे। तो शाहद भाई थोड़े से शर्मीले टाइप के आदमी हैं, तो बेचारे इंटरव्यू नहीं कर रहे थे, हमने बड़ी मुश्किल से इनको एग्री किया है, तो वो अभी भी मान नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि मेरे जो दो दोस्त हैं फ्रॉम गुजरा वाले के, तो वो कहते हैं जी वो थोड़ा आपका विज़िट करवाएं जनाब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो फ्रॉम आज शाहद भाई दे कोल इकट्ठे हो गए हैं। तो शाहद भाई साढ़े बहुत पुराने सीनियर, 25 साल इन्हों हो गया माशाल्लाह इस हॉबी दे विच। तो ज़्यादातर इन्हों अपना शौक सी अपना रिंग नैक वड्डे बड़ी ब्रीड का। तो हूँ साल से इन्होंने लबड़ भी रखे हुए हैं, लेकिन म्यूटेशन में अब आ रहे हैं। ठीक है, पहले इन्होंने फिशर, कामल, लटिनो इस तरह के बर्ड ब्रीड कराए हैं। अभी इन्होंने महबूब भाई से अल्बाइनो रेड है, क्रीमिनो डेकिनो के कुछ पेड़ लिए हैं। म्यूटेशन में इनको आहिस्ता आहिस्ता ये ना स्टेप ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। मेहनती आदमी है, केजेस भी बनाते हैं। अच्छा। नीचे सारा केज का काम भी है इनका माशाल्लाह। नीचे और पूरे गुजरांवाला में इन जैसा केज आज तक किसी ने नहीं बनाया, साफ और सफाई में। आप इनसे एक दफ़ा केज बनवा के देखें, आपका दिल खुश होगा। सही है। और नीचे सारा सेटअप इनका केजेस क्या है, उस डबल से ऊपर इनका रहा रिंगनेक रजीला वगैरह रखे हुए हैं। नीचे सेटअप सारा वो है, और ऊपर इन्होंने ये सारी लाइन जो है ना ये लबड़ की है, और इधर जो है कोकटेल और
रबीनो वगैरह इस तरह के माशाल्लाह इन्होंने कंट्रोल वगैरह लगाए हुए हैं। तो अभी आप इनका सेटअप विजिट करवाएंगे हमें इंशाल्लाह ताला सर। क्यों चलो जी अपना क्यूम भाई आप जो शाहद भाई का सेटअप विजिट करवाएं हमें जी माशाल्लाह वन बाई वन करके जी। ये जो लाए ना ये जो आपने सब शूट की है इधर सारे बर्ड लगे हैं, परसनाटा फिशरी में भी हैं ठीक है, और ग्रीन फिशर लटीनो फिशरी कामल लटीनो, उसके अलावा अल्बाइनो रेड आइज हैं और डेकिनो क्रीमिनो वगैरह हैं इनके। अच्छा उसके आगे ये ना शौक से कर रहे हैं, इनको कोई पैसे का इतना लालच नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सारा ये शौक से माशाल्लाह लगाया उन्होंने। इनका फोकस जो है ना ज़्यादातर वो बड़े बर्ड पे है, केजेस पे और बड़े बर्ड पे। तो ये लव बर्ड बस शौक से रखा हुआ है, बहुत पुराने 25 साल हो गए हैं। जैसे अमर बर्ड साहब है ना ये उनसे भी तकरीबन मेरे ख्याल से पहले सीनियर है माशाल्लाह। हाँ जी हमारे उस्ताद है ये अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी अच्छा क्यूम भाई आगे भी आप थोड़ा थोड़ा जल्दी से वीडियो को कवर करते जाएं। पोस्टर पेर है ये कामल लटीनो, ये सारा पोस्टर पेर लगा, पोस्टर लगा हुआ है। ये लटीनो परसनाटा रेड एज के भी हैं, ये परसनाटा रेड एज, ये परसनाटा ब्लैक है, स्प्लिट रेड एज हैं। मतलब अभी ये छोटी वैरायटी पे काम कर रहे हैं ना। अच्छा पलायन पेल फैल वगैरह पे ये कह रहे हैं अगले साल में इन पे वर्क करूँगा, आगे अगले साल के इनके लिए जो बड़े बर्ड हैं वो लगाएंगे। हाँ ये आगे इनमें लगाया हुआ है ब्लू मास्क, ब्लू कोबाल्ट कह लें, ब्लू मास्क कह लें, ब्लू परसनाटा कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप इन बर्ड को। अच्छा परसनाटा फैमिली जो हुई है जी जी। उसके अलावा म्यूटेशन के पीस, ये महबूब आलम फ्राम गुजरांवाला के घर के माशाल्लाह साइज़ देखें। महबूब आलम फ्राम गुजरांवाला जो अल्बाइनो के किंग है हमारे गुजरांवाला में। अच्छा अल्बाइनो रेड एज के महबूब आलम फ्राम गुजरांवाला और आबद भाई, ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गुजरांवाला में मुझे इनके शेड में सबसे अच्छे अल्बाइनो रेड एज जो है ना वो देखने को मिले हैं। अच्छा साइज़ भी और इनका मतलब अच्छी ब्लड लाइन बहुत अच्छी है इनकी। और ये ऊपर काकटल लगा कामल कामल लटीनो कामल भाई, ये इनो काकटल है, ये भी किनोर चेक ग्रीन किनोर चेक, ये माशाल्लाह रामप है, ये रोजा बुरकी है, रोजा बुरकी ये कोई नया नाम है, ये बहुत प्यारा बर्ड है ये भी। हाँ जी अच्छा जी ये माशाल्लाह कामल, ये बड़े बर्ड में आ जाते हैं सारे, ये भी रंप है, बड़े बर्ड में आ जाते हैं ये माशाल्लाह, ये बड़े, ये भी रोला बुरकी है, ये कोई नई म्यूटेशन आई है। और ये भी रोला बुरकी है, ये भी वही है, ये रेडी टू ब्रीड है। अच्छा जी ये भी नीचे सारा वही लगा हुआ है। हाँ जी ये सारा, ये सारी लाइन जो रोला बुरकी में लगे हुए हैं, ये ऊपर जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है रंप वगैरह लगे हुए हैं, और काकटेल रेड रंप है, ये रेड रैम है, ऊपर ये कॉकटेल लगा हुआ है, ये इनो कॉकटेल पॉइंट में भी लगे हुए हैं। इनो कॉकटेल की क्या प्राइस है? तकरीबन पेयर चलता है इसका, ब्रीडर पेयर चल रहा है 8 से 9 हज़ार रुपये का, 9 हज़ार रुपये का। तो वो अपना शाहद भाई ये साथ सेल भी करते हैं आप? इनके बच्चे सेल करते हैं। बच्चे सेल करते हैं? हाँ जी। कितने का बच्चा सेल करते हैं आप? बच्चे हैं इनके 5 हज़ार का जोड़ा, ये रंप का बच्चा है, रबीनो का, रबीनो का। कितना अर्सा हो गया इसको, कितने से है? 15 दिन का होगा। 15 दिन ये अभी भी बच्चे दे रहे हैं? हाँ। इनका टाइम कौन सा होता है ब्रीड देने का? अगस्त में शुरू होते हैं, अगस्त में ये भी शुरू होते हैं। तो कितने बॉक्स लगे हैं जिनके अंदर अभी बच्चे पड़े हुए हैं? इस समय ये एक के अंदर ही बच्चे पड़े हुए हैं। हाँ जी विदाउट सीजन के अंदर आप ब्रीड नहीं होते। और ये मुबशर भाई नीचे सारी लाइन जो है वो काकटेल की लगी है, ये फोस्टर पेयर है सारे, पर्ल काकटेल लगे हुए हैं सारे पाइड में, और नीचे जो है सारा बजरीगार लगा है एग्जीबिशन में। चार भाई आप लास्ट में कोई हमारे व्यूअर को मशवरा देना चाह रहे हो? मशवरा ये है कि किसी के पास पैसे हैं थोड़े से स्टार्टिंग करें, फालतू आवारागर्दी से भी बचेंगे और इसका फ़ायदा भी है। कारोबार की वजह से परेशान है वो 2-3 लाख से शुरू करें, इंशाल्लाह ताला इसमें अच्छी इनकम है।
भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने सेटअप विजिट करवाया। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपना क्यूम भाई का, साथ हमारे आबद भाई हैं और साथ ही माशाल्लाह से महबूब आलम साहब हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। माशाल्लाह से सुबह से हमारे साथ हैं, उन्होंने अपने गुजरांवाला के जितने भी तकरीबन सेटअप थे हमें विजिट करवाए हैं जी, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। क्यूम भाई आपका शुक्रिया, आबद भाई आपका शुक्रिया, महबूब भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी माशाल्लाह से हमें अच्छा जो टाइम हमारे साथ गुजरा, इन चारों भाइयों का बहुत शुक्रिया जनाब। गुजरांवाले के जो अपना ये लोग हैं बहुत ही अच्छे दिल वाले लोग हैं माशाल्लाह से, इन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जनाब। तो इसी के साथ वीडियो का अख्तिताम करते हैं जनाब। बशर भाई मेहरबानी, शुक्रिया जजाकल्ला, शाहद भाई, आवल भाई, अब्दुल कयूम भाई, महबूब आलम फराम।